हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? आप लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं अपना नंबर सिस्टम डेटा रिप्रेजेंटेशन का पार्ट। और जो भी हमने अभी तक किया है, जो भी अभी तक हमने कन्वर्जन्स कर लिए हैं, थोड़ा बहुत जब हमने सारे नंबर सिस्टम के रेडिक्स के बारे में, जो नंबर्स अलाउड हैं उनके बारे में हमने कर लिया है, तो जो पहली बार आज चैनल में आ रहे हैं उनको अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको पहले वाले वीडियोस को एक बार देखकर सीक्वेंस में लौटना पड़ेगा, ताकि आपको एक बेस क्लियर हो। आगे जाके तभी आपको एक अच्छी क्लैरिटी आएगी। सो लेट अस स्टार्ट विथ टुडे सेशन। तो हम लोग ने बहुत सारे कन्वर्जन्स कर लिए हैं, बहुत इजी मेथड सीख लिए हैं कन्वर्जन्स करने के लिए। तो आज हम कन्वर्ट करेंगे। हमने या ये आपको याद है कि जब हम लोग डेसिमल टू बाइनरी कर रहे हैं, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल कर रहे हैं, डेसिमल टू ऑक्टल कर रहे हैं, तो हमारा एक क्या चीज है इम्पोर्टेंट? आपका एक चीज क्या इम्पोर्टेंट है बताइए, कि हमेशा डिवाइड करेंगे आप। डी डेसिमल टू दिस डिवाइड, डेसिमल टू ऑक्टल डिवाइड बाय 8, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल डिवाइड बाय 16, ये हमने क्लियर कर लिया था। अब इसी को अब हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी नंबर दिया होगा और उसको हम पिछली बार हमने किया था डेसिमल टू बाइनरी, आज हम करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। इसमें क्या करेंगे? तो मैंने आपको पिछली क्लास में ये भी बताया था कि 2 to the power of -1 1/2 होता है, 2 to the power of -2 1/2 square होता है। इसका एक इम्पोर्टेंस है इस क्लास में, इसलिए वो इम्पोर्टेंट पार्ट मैंने जाते हुए डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ये बाइनरी नंबर है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से शुरू करो। आप लोग क्या करेंगे, ये नंबर लेंगे। अब अगर आप ये मेथड सीख गए, तब आपका दूसरे कन्वर्जन जो है कि ऑक्टल टू डेसिमल या हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल, वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग शुरू करो फर्स्ट डिजिट से। अब एक और इम्पोर्टेंट टर्म आपके लिए है, पढ़ाते हुए ध्यान आया कि इसको बोलते हैं MSB, दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो ये 1 है इसको बोलते हैं LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में, आपका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो आप ले लो। ओके, मल्टीप्लाइड बाई 2, जो भी बेस है बाइनरी का बेस क्या है 2, वो आप ले लो। तो हमने क्या लिया, 1 मल्टीप्लाइड बाई द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। अब 1 के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, देखो 1 2 3, तो वो इसके पावर में लगा दो। क्लैरिटी आई थोड़ी? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इनटू द बेस एंड हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर दिस, मतलब 1 2 3। अब मैं प्लस करूंगी, अब मैं दूसरे बिट पे आऊंगी यहाँ पे, तो 0 into 2 to the power of वही प्रोसेस, 0 के बाद कितने डिजिट्स है 2, तो ये इसके एक्सपोनेंट में चला जाएगा। अगर हमने किया, अब तीसरे में आइए, 1 into 2 to the power of 1 प्लस लास्ट वाले डिजिट के लिए 1 into 2 to the power of 0, क्योंकि उसके बाद कोई डिजिट ही नहीं है। अब 2 to the power of 3 मतलब क्या है, 2 2 ज 4, 4 2 ज 8, 8 multiplied by 1 is 8, 0 into 4 0 प्लस 1 into 2 to the power of 1, 2 to the power of 1 मतलब 2 ही है। तो ये अब आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, कोई भी नंबर जिसका एक्सपोनेंट 0 है, एनी नंबर 2 the power of 0 is 1। अगर मैंने बोला 1000 to the power of 0, वो भी 1 है, 2000 to the power of 0 it is 1, तो ये जो नंबर है इसका वैल्यू 1 है, तो 1 into 1 कितना आएगा 1, सो 8 plus 2 9 10 11, तो हमारा आ गया 11 in decimal। ओके,
लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन ऑन इट एंड देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू. फॉर एग्जाम्पल 11101, ये है हमारा बाइनरी में, इसको कन्वर्ट करना है हमको डेसिमल में. 1 into 2 to 1 into 2, और 1 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 1 into 2 to the power of 4 प्लस दूसरा डिजिट लो 1 into 2 to the power. अब आपको एक क्लैरिटी भी आ जाएगी, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 ही होगा. अब यहाँ पे अब बस ये याद रखना कि जो फर्स्ट डिजिट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो वो इसके एक्सपोनेंट में आ गया. अब एक्सपोनेंट डिक्रीज हो रही है, तो अब हम लोगों को थर्ड लिखो 1 into 2 to the power of 2. फिर 1 2 3 हो गया हमारा, फोर्थ 0 है, 0 into 2 to the power of 1, 1 into 2 to the power of 0. अब ये क्या है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 2 2 4 4 2 8 2 2 4 प्लस 0 इंटू कुछ भी 0 ही होगा, तो ये 0 लिख लेते हैं. और 2 to the power of 0 कितना है, 1, सो 1 into 1 is 1. 16 plus 8 24 24 plus 1 25 25 plus 4 29, तो ये हो गया 29 इन डेसिमल. ओके, अगर इसी क्वेश्चन में आया होता कि 1 1 1 1 1 0 1 decimal 1 1, अब क्या करेंगे, इतने तक तो हम आ गए 29. अब हमारा क्या हो जाता डेसिमल के बाद के लिए, इसके आगे हम ऐसे लिख देते हैं 1 into 2 to the power of -1, क्योंकि एक्सपोनेंट डिक्रीज हो रहा है, 4 3 2 1 0, अब -1 -2, तो ये क्या हो जाएगा 1 into, ये क्या है 2 to the power of -1, 1/2 प्लस 1 by 1 into 2 to the power of -2 कितना है, 1/2 square. मतलब यहाँ पे आपको 1/2 करना है, मतलब 29 में क्या ऐड होगा, 0.5, 1/2 मतलब क्या 0.5 प्लस 1/4, 1/4 मतलब 4 2 8 4 5 20, तो ये आ जाएगा 0.25. तो हमारा आंसर कितना आएगा, 29.75 इन डेसिमल. तो समझ में आया, तो जो आफ्टर डेसिमल है उसको भी आप एक्सपोनेंट सेम आएगा, फर्स्ट डिजिट एंड द नंबर ऑफ एक्सपोनेंट. लेट मी टेल यू वन थिंग, जैसे क्वेश्चन आ गया 1 1.01, ये डेसिमल ये है, हम क्या करेंगे 1 into 2 to the power of decimal से पहले डिजिट देखना. तो 1, इस 1 के बाद कितना डिजिट है 1, फिर दूसरे 1 के लिए हमने किया 2 to the power of 0, फिर 0 into 2 to the power of -1 प्लस 1 into 2 to the power of -2, ऐसे होगा. ऐसे नहीं कि आप लोग यहाँ से 1 into 2 to the power of 3 लिख दो, डेसिमल के बाद वाला डिजिट नहीं काउंट करोगे आप. 1 के बाद एक डिजिट है 2 to the power of 1 एंड देन 2 to the power of 0 एंड देन -1. आपको ये ध्यान रखना कि जो डेसिमल के बाद का पहला नंबर है उसको हमने 2 to the power of -1 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. अब ये है हमारा 2 decimal. अब मैं करूंगी ऑक्टल 2 decimal. ऑक्टल 2 decimal, अब हम लोग ने सेम प्रोसेस करना है. ऑक्टल 2 decimal के लिए एक नंबर ले लेते हैं 372. फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है, ये ऑक्टल में, तो हमने उसका बेस लिखा. सेम मेथड, 3 लो, 3 मल्टीप्लाइड बाई जो बेस है वो लिखो, 3 के बाद कितने डिजिट है 2, तो ये स्क्वायर में आ जाएगा. फिर 7 लिखो, 7 into 2 to the power of 1 प्लस 2 into 8 to the power of 0, 7 into, यहाँ पे 8 होगा ना बेस, 3 into 8 to the power of 2, 7 into 8 to the power of 1, 2 into 8 to the power of 0, 8 into 8 64, 64 3s are 4 3s are 12, 192 प्लस 8 7s are 56, 8 to the power of 0 कितना है 1, 2 into 1 2, तो 192 प्लस 56 प्लस 2, 6 7 8 9 10 9 10 15 और 2 250, सो दिस विल बी 250 इन डेसिमल. Okay, is it clear? So for example, if we take 24.6 in octal, again another number, we have to convert it into decimal. So what we will do, 2 into 8 to the power of 1 plus 4 into 8 to the power of 0 plus 6 into 8 to the power of minus 1. Jo decimal ke baad pehla digit hai, uska exponent minus 1 hi rahega.
ओके सो वी विल डू 2 × 8 = 16, 8 to the power of 0 कितना है 1, 4 × 1 1 आ गया, ये आ गया 6 / 8, क्योंकि 8 to the power of -1 कितना है 1/8, या तो हम ऐसे ही लिख देंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं तब आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी, 6 × 1/8, ओके तो ये तो 20 हो गया, प्लस 6 × 1/8, सो 1/8 कितना होगा, 8/6 कर लो, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, हाँ ये 6/8 की वैल्यू आ रही है 0.75, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20.75 इन डेसिमल, सो दैट इज द आंसर, इज इट फाइन, क्लियर। तो आप लोग बेस लिखोगे जब भी 2 डेसिमल है, ऑक्टल 2 डेसिमल, बाइनरी 2 डेसिमल, अब हम लोग करेंगे हेक्सा डेसिमल, उसमें आपको जैसे आ गया कि वी हैव टू कन्वर्ट हेक्सा डेसिमल 2 डेसिमल, हेक्सा डेसिमल 2 डेसिमल। अब फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग अ नंबर 2AF व्हिच इज इन 16 हेक्सा डेसिमल, AF है तो ऑब्वियसली हेक्सा डेसिमल में ए की वैल्यू कितनी है 10 है, ABCDEF, F तो ये क्या है बताइए, ABCDEF तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो F है हमारा 50, तो हम लोग कैसे करेंगे 2 × द बेस, 2 के बाद कितने डिजिट है 2, प्लस A × 16 to the power of 1, प्लस F × 16 to the power of 0, तो 2, 16, 16 = 256 होता है, 256 × 2 कीजिए 512, ए के बदले हम 10 यूज करेंगे प्लस 16, एफ के बदले हम 15 यूज करेंगे, 16 to the power of 0 हमारा 1 है, तो फिर 512 प्लस ये कितना है 160 प्लस 15, तो आप ऐड कर दो 512, 160 और 15, 6, 7, 8, 5, 6, 687, 687 इन डेसिमल, इज इट क्लियर। तो हमारा तीनों का प्रोसेस सेम है, जिसमें हम बेस लिख देते हैं, उसके बाद पहला नंबर लेते हैं, फिर बेस लिखते हैं, और उस नंबर के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उसको हम एक्सपोनेंट में लिख देते हैं। आपको कैलकुलेशन के समय क्लियर कर होना पड़ेगा, जैसे 16 × 16 है, जनरली आप लोग 1 से लेकर 25 का तो स्क्वायर याद ही कर लो, याद ही करने से ठीक है कि 25 × 25 = 625, 14 × 14 = 15, 15 × 225, 16 × 16 क्या है 17, 17 × 281, तो एक कैलकुलेशन में हेल्प होगी हमेशा। तो आपको एक ट्रिक भी बता देती हूँ, जाते जाते एक ट्रिक कर लेते हैं, जब कैलकुलेशंस की बात आ गई है, जैसे आपको अगर मैं आपने मुझे बोला 25 स्क्वायर, मैंने बोल दिया 625, आपने बोला 35 स्क्वायर, मैंने बोल दिया 1225, 45 स्क्वायर 2025, 65 स्क्वायर 4225, तो मैंने याद किया है, याद तो मैंने बिल्कुल नहीं किया है, तो ये है 25 स्क्वायर, तो आप लोग क्या करोगे 5 × 5 = 25, मतलब कोई भी डिजिट अगर 5 से एंड हो रहा है तो उसका जो स्क्वायर है हमेशा 25 से एंड होगा। अब 2 के बाद कौन सा नंबर आता है 3, तो 2 × 3 = 6, तो आंसर है 625, 35 स्क्वायर है तो 25 पहले लिख दो, 3 के बाद हमारा 4 आ रहा है, 3 × 4 = 12, 45 स्क्वायर है तो फिर हमारा 5 × 5 = 25 है, 4 × 4 के बाद क्या आता है 5, 4 × 5 = 20, मतलब जो यूनिट डिजिट है वो तो 25 बता रहा है हमको, और जो हमारा पहला वाला डिजिट है उसके बाद एक नंबर लो, जैसे आप मैंने बोला 55 स्क्वायर है, जस्ट वेट 55 स्क्वायर, सो 25 तो आना है, 5 के बाद क्या आता है 6, 6 × 5 = 30, तो 3025, सो ये सो छोटे छोटे ट्रिक्स आपको बताती रहूंगी जिससे आपका कैलकुलेशंस इजी हो,
तो ये है आज के लिए। अब मुझको आपको एक और चीज बतानी है इन द नेक्स्ट क्लास अबाउट एसडी कोड की हमने थोड़ी सी बात की थी, मगर हर एक कैरेक्टर का एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है, विच वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। सो स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल, विथ योर ओन चैनल स्टडी विथ अलका खंडवाल। सो लेट्स होप वी विल बी मीटिंग अगेन सून। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।